जी वादे नहीं हैं, केवल स्टेटमेंट्स हैं। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मैं बिल्कुल भी सीरियसली इसलिए नहीं लेती क्योंकि इतने बड़े बड़े दावे करने वाले लोग संदेश खाली जैसे इतने संगीन मामले पे चुप्पी साधे हुए हैं। जब भी सनातन के का अपमान होता है तो भी चुप्पी साधते हैं। दिल्ली में जब एक आम आदमी पार्टी के नेता ने आम आदमी पार्टी की ही वर्कर की बेटी के साथ छेड़खानी करी और पॉक्सो का केस दर्ज हुआ, उस पर भी कांग्रेस के नेताओं ने चुप्पी साधी, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चुप्पी साधी। इंडी अलायंस केवल और केवल गठबंधन धर्म निभा रही है जहां पर राष्ट्रधर्म और राष्ट्रहित दोनों की बलि चढ़ा रही है। जी देखिए, मैं भी आज बाकी कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर राष्ट्रीय कार्यालय आई हूं ध्वजारोहण के लिए हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में। और मैं कहूंगी कि विश्व के सबसे विशाल राजनीतिक संगठन को उसकी स्थापना दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई। और जिन विभूतियों ने इस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में पार्टी संकल्पित है एक सशक्त भारत के लिए। राष्ट्र सर्वोपरि, सेवा परम धर्म, इन दोनों सिद्धांतों को आत्मसात कर और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके आवाहन पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ एक विकसित भारत के लिए प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अथक प्रयास कर रहा है। जी वादे नहीं है, केवल स्टेटमेंट्स हैं। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मैं बिल्कुल भी सीरियसली इसलिए नहीं लेती क्योंकि इतने बड़े बड़े दावे करने वाले लोग संदेश खाली जैसे इतने संगीन मामले पे चुप्पी साधे हुए हैं। जब भी सनातन के का अपमान होता है तो भी चुप्पी साधते हैं। दिल्ली में जब एक आम आदमी पार्टी के नेता ने आम आदमी पार्टी की ही वर्कर की बेटी के साथ छेड़खानी करी और पॉक्सो का केस दर्ज हुआ, उस पर भी कांग्रेस के नेताओं ने चुप्पी साधी, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चुप्पी साधी। इंडी अलायंस केवल और केवल गठबंधन धर्म निभा रही है जहां पर राष्ट्रधर्म और राष्ट्रहित दोनों की बलि चढ़ा रही है। जी देखिए, मैं भी आज बाकी कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर राष्ट्रीय कार्यालय आई हूं ध्वजारोहण के लिए हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में। और मैं कहूंगी कि विश्व के सबसे विशाल राजनीतिक संगठन को उसकी स्थापना दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई। और जिन विभूतियों ने इस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में पार्टी संकल्पित है एक सशक्त भारत के लिए। राष्ट्र सर्वोपरि, सेवा परम धर्म, इन दोनों सिद्धांतों को आत्मसात कर और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके आवाहन पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ एक विकसित भारत के लिए प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अथक प्रयास कर रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।